हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉगिन स्क्रीन से कंटिन्यू थर्ड क्लास है जिसमें हम वर्डप्रेस की लॉगिन स्क्रीन को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने लॉगिन स्क्रीन तक चेक किया था, वहाँ तक हमने उसको कॉन्फ़िगर किया था। अब उससे आगे हम देखेंगे कि लॉगिन स्क्रीन कैसी है और डैशबोर्ड कैसा है, और उससे आगे हम आज वर्डप्रेस के थीम्स के बारे में देखेंगे कि वर्डप्रेस थीम्स क्या हैं। पहले हम लॉगिन करते हैं अपनी वर्डप्रेस डोमेन से। आपने अपना वर्डप्रेस डोमेन जो लिखे उसका फर्स्ट वर्ड लिखना आपने। मेरा था द ग्रीन पाकिस्तान, मैंने टी एच लिखा, ये फर्स्ट स्लाइड में शो हो गया द ग्रीन पाकिस्तान डॉट 000 वेब होस्ट और ऐप डॉट कॉम WP एडमिन। ये देखें, इसका एडमिन पैनल आ गया है। अब आपके सामने मैं आपको शो करा देता हूँ ये कैसे है। अब यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस, हमने अपना यूज़र नेम आपको याद होगा कि एडमिन के नाम से लिखा था, एडमिन ATMIN एडमिन लिखा। मेरा पासवर्ड शो है इसलिए शो कर रहा है, मैं फिर भी आपके लिए अपना पासवर्ड लिखता हूँ। ये मेरा एडमिन पैनल इस टाइम लॉगिन हो चुका है। अब ये देखें आपके सामने, ये इसका एक ये लेफ्ट बार पैनल है, ये इसका डैशबोर्ड है। ये देखें, ये सारा इसका डैशबोर्ड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी साइट अभी इस तरह की है, सिर्फ ब्लॉग और इस तरह का लिखा रहा है सब कुछ, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम अपने डैशबोर्ड पर चलेंगे और वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देखना है कि थीम्स क्या होती हैं। थीम्स होती हैं अपेयरेंस ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग और कुछ भी जो है ना अपेयरेंस, वो आपकी ज़ाहरी हालत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है, हर किसी के कपड़े एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, शूज़, हेयर कट, हर चीज़ नेचुरली भी और फिज़िकली भी, सब कुछ जो है डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो अपेयरेंस वेबसाइट की भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट की हो सकता है कि दूसरी अपेयरेंस हो, एक ब्लॉग की अपेयरेंस दूसरी हो सकती है, एक गेमिंग वेबसाइट की अपेयरेंस दूसरी हो सकती है। अपेयरेंस थीम पे डिपेंड करती है, यानी उसके कपड़े आप समझ लें कि अपेयरेंस उनके कपड़े होते हैं और हर कलर दूसरे से डिफरेंट है, तो हर कोई अब दूसरे से डिफरेंट अपेयर होता है। तो आज हम वर्डप्रेस की अपेयरेंस देखेंगे। अपेयरेंस पे क्लिक करते हैं, ये देखें आप किस बोर्ड में अपेयरेंस आ रहा है, शो रहा है। थीम्स, कस्टमाइज विजेट्स, मेन्यूज, हेडर, बैकग्राउंड, एब्सोल्यूट शेप, लिए थीम एडिटर, ये सब कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट हम अपेयरेंस पे क्लिक करते हैं, ये देखें आपके सामने ये शो हो रही है। एक ये शेपली है, एक 19, एक 2017, ये 2019 थी और ये 2020। ये आपके सामने चार थीम शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू पे पहले देखते हैं कि कैसी नजर आएगी हमारी वेबसाइट। मैं आपको ये बता दूं कि कंटेंट सेम रहेगा, बेशक आप अपनी थीम चेंज करें, कोई भी थीम आप चेंज करें, कंटेंट आपका रिमेन सेम रहेगा, उस पर थीम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोड हो रही है, ये देखें द ग्रीन पाकिस्तानी इस तरह शो हो रही है। ये मेरा डोमेन नेम शो है, मेरी वेबसाइट का नेम जो है। अच्छा, मैं इसको एक्टिवेट और पब्लिश कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे शो होती है। ये देखें, अभी पहले वहाँ पे ब्लॉग सब कुछ लिखा रहा था, अब द ग्रीन पाकिस्तान ये नाम शो हो रहा है। ये देखें इस तरह की है, और ये सब कुछ एंड पे कॉन्टैक्ट पेज और एड्रेस और ये सब हम एडिट करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट भी बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको
दोबारा बताता हूँ कि अपनी मर्ज़ी की अगर आपने थीम सेलेक्ट करनी है तो कहाँ से और कैसे करनी है। ये देखें ऊपर आपको थीम्स के साथ ऐड न्यू का बटन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें अब आपके सामने ये थीम्स आ रही हैं, ये फीचर्ड हैं, ये इसमें पॉपुलर लेटेस्ट और फेवरेट्स हैं। अब ये देखें ये थीम्स आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आ रही हैं। ये अपडेट होती रहती हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, अगर आपकी फ़ोटोज़ गैलरीज वाली वेबसाइट है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये आप वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके फ्रीलांसिंग अकाउंट होता है उसमें भी कोई थीम्स होती हैं, फाइवर फॉर एग्जांपल वो। ये देखें आपके पास ये आपका ब्लॉग के यूज़ हो सकते हैं, ब्लॉग टाइप इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अच्छा अब और हैं पॉपुलर में देखते हैं, देखें एस्ट्रा कितनी खूबसूरत, ये आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ओशन डब्ल्यू पी यूज़ होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपने बनानी है अपनी। ये आप ट्रैवलिंग वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं लिब्री डब्ल्यू पी। ये सिडनी एक बहुत ही फेमस किस्म की थीम है, ये लोड हो रही है। ये सिडनी बड़ी फेमस है जो अक्सर वेबसाइट में भी यूज़ होती है। ये 2014 बहुत अच्छी थीम है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी थीम लगा सकते हैं। मैं अभी एक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलिए मैं इसको 2014 को इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए इंस्टॉल करने का तरीका भी आप देख लें, इंस्टॉल हो गई। अब आपने इस पर एक्टिवेट पे क्लिक करना है। और ये देखें इस टाइम आपको शो हो रहा होगा कि मेरे पास 5 थीम्स इस टाइम एक्टिव हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एट अ टाइम 15 और 20 से ज़्यादा थीम्स इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इससे आपका जो है सर्वर लोड होने में टाइम लगेगा, आपकी होस्टिंग पे इसका वेट पड़ेगा। तो अब हम अपनी साइट को जाकर देखते हैं कि कैसी लग रही है। जी इसकी पेरेंट्स सिर्फ ऐसी ही आई है अभी, हम और कोई भी चेक कर लेते हैं। हम ऐड न्यू के बटन पे जाते हैं, पॉपुलर पे जाके देखते हैं कि एस्ट्रा या ये देख लेते हैं नीव। एक्टिवेट करते हैं, हर थीम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ थीम्स जो हैं बिल्कुल सिंपल आपको लगेंगी, लेकिन कुछ थीम में आपको जो है बिल्कुल वो शो करेंगी अपनी ब्यूटी। लेकिन हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम उसके हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। अभी 2020 हमारे पास पहले से इंस्टॉल है, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। जो थीम आपको सेट बैठे आपने वो यूज़ करनी है। अभी देखें इसकी पेरेंट्स ऐसी शो हो रही है ये वाली थीम लगा के, लेकिन कंटेंट आपका सेम रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो नेम है इसको चेंज करना है, आपने कैसे करना है। साइट का टाइटल है आपका साइट टाइटल, अब आप मैं आपके सामने लाइव चेंज करता हूँ, बल्कि मैं आपको वहीं से लाइव चेंज करके दिखाऊंगा। मैंने इस टाइम अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर ये नेम चेंज करना है, इसका टाइटल चेंज करना है साइट का, वो आपने कैसे करना है। कस्टमाइज़ पर क्लिक करें, जो थीम आपने लगाई है उसके नीचे कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही होगी।
ये देखें, अब ये कुछ ऑप्शन है, साइट आइडेंटिटी, साइट टाइटल इसके अंदर आ रहा है। ये देखें, मैं अभी चेंज करता हूँ, आपको ये शो होगा कि कैसे ये जो है लाइव चेंज होगा। मैं कहता हूँ द ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान, ये देखें आपने देखा लाइव सर्वर में चेंज हुआ। अब आप नीचे इसके टैग लाइन भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, ये इसकी हमने टैग लाइन लिख दी। देखें ब्यूटी ऑफ नेचर, ये www.webhost00webhost.com के ये अब ब्यूटी है कि इस टाइम आप बिल्कुल इसके आप क्या नाम है लाइव हैं इस टाइम। अब जो चेंजेस करेंगे वो लाइव चेंज होगी आपकी साइट के अंदर। आपने यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश मैंने कर दिया। आप यहाँ पे थीम ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके कवर टेम प्लेट भी चेंज कर सकते हैं, कवर में जो टेम्पलेट था वो इस तरह चेंज हो जाता है। उसके अलावा आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ। अब वो जो आपका पेज हो रहा था उसके अंदर ये अब इमेज ऐड हो जाएगी। ये बैकग्राउंड के अंदर इस टाइम ये लग गई, अभी वैसे तो अच्छी नहीं लग रही लेकिन जब हम लगाएंगे तो अच्छी लगेगी। ये देखें आप उसकी डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ये भी हमने एज ए एग्जाम्पल आपको मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी हम आगे चेंज करेंगे। यहाँ से मेन्यू बार है, आप इसके मेन्यूज भी चेंज कर सकते हैं, विजेट्स भी आप इसको चेंज करते हैं, फूटर हैडर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये है यहाँ पर CSS, अगर आपको आती है तो यहाँ पर आप CSS लिख के अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोडिंग का नहीं कहूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी देखेंगे कि कोडिंग के ज़रिए हमने कैसे चेंज करनी है CSS स्टाइल शीट्स लगा के। ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि इसको कैसे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट करना, और सारी फंक्शनैलिटीज हम देखेंगे जो साइड बार्स की हैं। तो थीम्स के बारे में आपको पता चल गया कि थीम्स क्या काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।